इस प्रकार के जो शब्द आएंगे वो किसके अंदर आएंगे, वो आएंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। अब कॉपी पेन निकाल लीजिए, आप साथ के साथ में लिखते जाना जो जो बोले आपको, ठीक है भाई। सबसे पहले आप लिखिए ध्यानपूर्वक, वैसे तो ये लिखवा दिया था मैंने आपको पीछे, फिर भी लिखिए आप ध्यानपूर्वक, जल्दी निकाल लीजिए कॉपी पेन, निकाल ली भाई कॉपी पेन। हाँ, रीतिवाचक के अंदर ये जो शब्द आएंगे ना, जो आपको बताए जाएंगे, ये आपको क्या होंगे, ये वाक्य में मिलेंगे और उस वाक्य में जो क्रिया है उसके होने के तरीके के बारे में बताएंगे कि ये जो क्रिया हुई है ये इस तरीके से हो रही है वाक्य में, ठीक है। इनसे आपको पहचान का पता चल जाएगा, इनसे मिलते जुलते भी अगर रीतिवाचक में आते हैं ना, वो भी आपको लिखवा देंगे। आपको एक पहचान का पता चल गया कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण की ये पहचान है, अगर इस तरह से ध्यानपूर्वक है, अचानक है, वस्तुतः है, ठीक है, इस प्रकार के अगर शब्द आते हैं पेपर में और वो क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं, उसके होने के ढंग तरीके के बारे में बताते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। समझ आई बात? अब आप लिखिए, लिखते निसंदेह, निसंदेह ठीक है, ठीक ही, बेशक, बेशक, वस्तुतः, ध्यानपूर्वक, अचानक, चुपके से, चुपके से, अक्सर, आप लिखोगे अक्सर, अक्सर, ठीक है भाई, इस प्रकार से आएगा अक्सर। अदक है, शायद, 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 प्राय, प्राय, ठीक है। इसके बाद लिखिए आप है अकस्मात, 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 अकस्मात के बाद लिखिए एकाएक, 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 अकस्मात, सहसा, 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 आप आगे लिखोगे खुल्लम खुल्ला, खुल्लम खुल्ला, ठीक है, धड़ाधड़, 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 ठीक है भाई। आगे लिखिए आप घटाघट, हंसने की जरूरत नहीं है, ये पीछे जो हंस रहे हैं, घटाघट। आगे लिखिए आप शीघ्रतापूर्वक, 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 ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे आप ही आप, आप ही आप, आप ही आप, धीरे से, धीरे से। इसके बाद आप लिखोगे जोर से, ठीक है भाई। इस तरह के जो शब्द वाक्य में मिलते हैं, तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो वाक्य में क्रिया के होने की विधि के बारे में बताएंगे, उसके ढंग तरीके के बारे में बताएंगे। तो ऐसे जो शब्द है, ये जो शब्द है, इस प्रकार के शब्द अगर रेखांकित मिल जाते हैं पेपर के अंदर, तो आप उसका जवाब क्या लिखोगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या लिखोगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब आगे है दूसरा जो भेद है, दूसरा है संबंध बोधक, संबंध बोधक, ठीक है भाई। संबंध बोधक क्या होते हैं, इनकी पहचान कैसे होती है, ये चीज जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। संबंध बोधक ऐसे अविकारी शब्द होते हैं, संबंध बोधक ऐसे अविकारी शब्द होते हैं जो
जो वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, और वो किससे के बाद, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद, संज्ञा शब्दों के बाद या सर्वनाम शब्दों के बाद ऐसे अविकारी शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं, और वो वाक्य में प्रयोग होने पर अन्य वाक्य में जो अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द आए हैं उनके साथ संबंध प्रकट करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संबंध बोधक अविकारी शब्द। जैसे उदाहरण के तौर पे है, मान लीजिए ज्ञान के बिना, इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं, ज्ञान के बिना मनुष्य मनुष्य ज्ञान के बिना मनुष्य किसके समान है? पशु के समान है, पशु के समान है। ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के समान है। अब संबंध बोधक में क्या बताया गया, इसकी पहचान क्या थी? कि या तो इधर मिलेंगे क्या, या तो मिलेगा संज्ञा शब्द या मिलेगा सर्वनाम शब्द, और संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद जो ये क्या है, अव्यय या अविकारी शब्द आए हैं, ये अव्यय या अविकारी शब्द वाक्य में जो अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द आए हैं उनके साथ संबंध प्रकट करेंगे। उनके साथ क्या प्रकट करेंगे? संबंध, रिलेशन बताएंगे कि हमारा रिलेशन इस वाक्यांश में इस प्रकार से इस शब्द के साथ ऐसा रिलेशन है, ठीक है, तो उसे हम संबंध बोधक कहते हैं। अब देखिए, ज्ञान क्या है? संज्ञा शब्द। पशु क्या है? पशु, संज्ञा शब्द। अब इसमें इधर क्या हो गया? के समान आ गया, और इधर क्या आ गया? के बिना आ गया, के बिना आ गया। अब इसकी एक सिंपल सी पहचान बताऊं आपको, इसमें अगर बिना आ जाता, बिना, खाली बिना आ जाए, ठीक है, या अंदर आए, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, इस तरह के जो शब्द होंगे, यानी कि अगर इनके साथ कार्य विभक्ति का प्रयोग नहीं है इस प्रकार के शब्दों के साथ, तो ये जाएंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण में, ये जाएंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण में। अगर इनके साथ कार्य विभक्ति का प्रयोग है, कार्य विभक्ति का प्रयोग है, तो ये किसके साथ जाएंगे? ये जाएंगे संबंध बोधक अविकारी के साथ। समझ आई बात? अब इसमें जो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आप लिखोगे, लिखते जाना, अब आप लिखोगे जैसे कालवाचक में किन किन शब्दों का प्रयोग हो सकता है, कालवाचक में, कालवाचक में आप लिखोगे आगे पीछे, आगे पीछे, पहले, आप लिखोगे आगे आगे पीछे पहले, आगे पीछे पहले, बाद उपरांत, बाद उपरांत, ठीक है भाई, बाद उपरांत, उपरांत के बाद लिखोगे पूर्व पश्चात, पूर्व पश्चात, पश्चात। देखिए, ये जो शब्द आपको लिखवाए जा रहे हैं ना, इनमें से कोई ना कोई या इनसे मिलता जुलता ही आपके पेपर में अंडरलाइन वर्ड मिलेगा, जो पद परिचय पूछा जाएगा इन्हीं से मिलता जुलता मिलेगा या इन्हीं में से मिलेगा, ठीक है, तो ये लिख चुके हो आप। अब जैसे राम के पीछे एक एग्जाम्पल दे देते हैं, राम के पीछे मोहन चल रहा है, मोहन चल रहा है, किसके पीछे कौन चलने लग रहा है? राम के पीछे, या राम के पीछे सीता चल रही है, और सीता के पीछे लक्ष्मण चल रहे हैं, ठीक है, तो इधर आ गया के पीछे, यानी कि एक
आप अपने मस्तिष्क में एक चीज तो बैठा के रखना कि इसमें ये पीछे है, आगे है, पीछे है, पहले है, बिना है, बाद में है। अगर इसके साथ करके विभक्ति का प्रयोग है तो आप क्या करोगे? संबंध बोधक। अगर कार्य के विभक्ति का प्रयोग नहीं है तो क्या लिखोगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये लिख लिया। अब आप आगे लिखोगे स्थानवाचक में यहां वहां। स्थानवाचक में आप लिखोगे यहां वहां, लिख लीजिए भाई। स्थानवाचक में क्या लिखोगे? यहां यहां वहां, लिखते जाना यहां वहां, ठीक है। बाहर भीतर, बाहर भीतर, बाहर भीतर, ठीक है। आगे लिखिए आप भीतर के बाद बीच, ऊपर नीचे, बीच ऊपर नीचे, बीच ऊपर नीचे, ठीक है। और मध्य, ये किसका बोध कराएंगे? ये स्थान का बोध कराएंगे। यानी कि आप आगे क्या लिखोगे? स्थानवाचक लिख के और उसको अंडरलाइन करके द्विबिंदु रेखी का चिन्ह डाल के इन शब्दों को लिखोगे, ठीक है। ये सभी के सभी किस में आएंगे? ये सभी के सभी आएंगे संबंध बोधक में। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। मेज के नीचे बिल्ली बैठी है। मेज के नीचे, मेज के नीचे बिल्ली बैठी है, बैठी है। बैठ धातु से बैठी बन गया, ये बैठना क्रिया हो गई, ठीक है। और के नीचे मेज क्या है? मेज तो जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद अविकारी शब्द आ गया, ठीक है ना। और बिल्ली क्या है? बिल्ली भी संज्ञा शब्द है। इसका संबंध इसके साथ हो गया। मेज के नीचे कौन बैठी है? बिल्ली, ठीक है। तो इस प्रकार के जो शब्द आएंगे के नीचे, के ऊपर, के यहां, के बाहर, के भीतर, के मध्य, तो ये किस में जाएंगे? ये जाएंगे स्थानवाचक क्रिया विशेष, स्थानवाचक में जाएंगे, ठीक है। संबंध बोधक के अंदर आएंगे ये सभी के सभी। आगे आप लिखोगे, इसके बाद लिखोगे दिशा सूचक में। दिशा सूचक जो दिशाओं के संदर्भ में बताते हैं, आप लिखोगे दिशा सूचक में लिखोगे निकट पास, निकट पास, समीप, निकट पास समीप, लिख लीजिए ये निकट पास समीप, और सामने सामने, और सामने तरफ तरफ आदि। इस तरह के जो शब्द होंगे ये किसके अंदर आएंगे? ये दिशा का बोध कराएंगे, ठीक है। ऐसे अविकारी शब्द किसका बोध कराएंगे? दिशा का। अब जैसे एग्जाम्पल है मंदिर के पास, मंदिर मंदिर के पास पीपल, पीपल का पेड़ है। मंदिर के पास पीपल का पेड़ है, ठीक है भाई। मंदिर और पीपल, मंदिर और पीपल क्या है? ये दोनों के दोनों संज्ञा शब्द है, ठीक है, नाउन वर्ड है। तो ये क्या है? के पास। यानी कि ये अविकारी जो शब्द है ये पहले वाले नाउन का और वाक्य में जो दूसरा नाउन आया या प्रोनाउन आया है उनका आपस में क्या करेगा? उनका संबंध प्रकट करेगा। मंदिर के पास में क्या है? पीपल का पेड़ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं साधन वाचक। चौथा है साधन वाचक।
इसमें आप लिखोगे साधनवाचक में, साधनवाचक में लिखिए आप निमित, 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 निमित के बाद आप लिखोगे जरिए, जरिए, द्वारा, सहारे, जरिए, द्वारा, सहारे, मार्फत, मार्फत। ठीक है भाई, ये जो शब्द आएंगे ये साधनवाचक में आएंगे। एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा इसका, अच्छी आदतों के सहारे, अच्छी आदतों के सहारे। उदाहरण देखिए भाई इसका, अच्छी आदतों के सहारे, अच्छी आदतों, अच्छी आदतों के सहारे, अच्छी आदतों के सहारे तुम, अच्छी आदतों के सहारे ही तुम उन्नति कर सकते हो, उन्नति कर सकते हो। ठीक है भाई, समझा? तो इसमें क्या हो गया, के सहारे क्या आ जाएगा इसके बीच में, के सहारे। ठीक है, अब आगे चलिए विरोध सूचक में, विरोध सूचक में, विरोध सूचक में प्रतिकूल, प्रतिकूल, विरोध सूचक में आप लिखिए प्रतिकूल, 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 प्रतिकूल के बाद आप लिखोगे, नहीं छोड़, मोबाइल गिर जाएगा, चल छोड़ दे। तो आप लिखोगे प्रतिकूल। ठीक है भाई, आगे लिखोगे प्रतिकूल के बाद आप लिखिए विपरीत, विपरीत, प्रतिकूल के बाद आप क्या लिखोगे, विपरीत, विपरीत। ठीक है, विपरीत के बाद आप लिखो उल्टे, उल्टे, विरुद्ध, खिलाफ, उल्टे, विरुद्ध, खिलाफ। दोबारा सुन लीजिएगा, प्रतिकूल, विपरीत, उल्टे, विरुद्ध, खिलाफ। अब एक एग्जाम्पल लिख देखिए इसका, साथ के साथ में एग्जाम्पल भी लिखते जाना ताकि समझ आ सके। ठीक है भाई, एग्जाम्पल लिखिए नेताओं के खिलाफ, नेताओं, नेताओं के खिलाफ, के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ तुम खुलकर नहीं बोले, तुम, नेताओं के खिलाफ तुम खुलकर नहीं, नहीं बोले, तुम खुलकर नहीं बोले। अब देखिए नेता क्या है, नेताओं जातिवाचक नाउन है, ठीक है, और तुम ये प्रोनाउन वर्ड है, यानी कि इस नाउन का इस प्रोनाउन वर्ड के साथ संबंध है। क्या है कि के खिलाफ, यानी कि नेताओं के खिलाफ वो खुलकर नहीं बोले। ठीक है, तो इसमें के जो खिलाफ है ये किसके अंदर आएगा, संबंध बोधक अविकारी के अंदर। आगे लिखिए समतावाचक, समतावाचक, तुल्य, समतावाचक में आप लिखिए तुल्य, समता, समता, ऐसे लिखा जाएगा समतावाचक। ठीक है भाई, समतावाचक। समता का अर्थ पता है क्या होता है, कैपेसिटी ने, कैपेसिटी
उपमा करना, तुलना बताना, किसी के साथ सहवाग सचिन तेंदुलकर की तरह खेलते हैं, ठीक है। आप लिखोगे इसमें तुल्य, तुल्य त्रय, तुल्य, तुल्य के बाद आप लिखोगे त्रय, त्रय के बाद लिखिए भांति, भांति, ठीक है भाई। भांति के बाद आप लिखोगे योग्य, योग्य, ठीक है। योग्य के बाद, योग्य के बाद आप लिखोगे जैसा, जैसा, जैसा के बाद लिखिए अनुकूल, 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 ठीक है भाई। अनुकूल के बाद लिखिए बराबर, बराबर, बराबर के बाद आप लिखोगे अनुसार, अनुसार के अनुसार, अनुकार नहीं, अनुसार, अनुसार, और अनुसार के बाद लिखिए सदृश, सदृश, ऐसे लिखोगे सदृश, ठीक है भाई। विशाल है कम असले, नहीं पढ़ना तो बाहर हो जाए, काफी देर हो गया आपको। सदृश, अब एक दृष्टांत देखिए इसका, आप इसका दृष्टांत देखोगे, मैं गांधी जी के जैसा बनना चाहता हूं, मैं गांधी, गांधी जी के जैसा बनना चाहता हूं, चाहता हूं, यानी कि जैसे गांधी जी थे ना, वही गुण वो अपने अंदर भी पैदा करना चाहते हैं। जैसे गांधी जी ने सत्य का रास्ता अपनाया, ठीक है, वैसे वो भी सत्य के रास्ते पर चलना चाहते हैं। वो गांधी जी वाले सभी के सभी जो गुण है, वो सभी के सभी वो भी अपनाना चाहते हैं, ठीक है भाई। आगे लिखिए आप समतावाचक के बाद लिखिए सहचर सूचक, सहचर, सहचर सूचक, इसमें आप लिखोगे रहित, सहचर सूचक में आप लिखोगे रहित, 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 देख लीजिएगा कैसे लिखा जाएगा रहित, ठीक है भाई। आप लिखोगे रहित, रहित, ठीक है, के रहित, ऐसे आएगा ये फिर बाद में। सेवा, अतिरिक्त, सेवा, सेवा नहीं, सेवा, और फिर है अतिरिक्त, अतिरिक्त, ठीक है भाई। अब एक दृष्टांत देखिए इसका, राम के अतिरिक्त और सभी वहां थे, या आप मेरे सिवाय, मेरे सिवा और कोई नहीं जाएगा, ठीक है, मेरे सिवा, राम के